Question 7. Mark the correct statement. Magnitude of the velocity of the particle is equal to its speed. Velocity का जो magnitude है उसको हम क्या बोलते हैं? Speed ही बोलते हैं. Correct statement. Magnitude of the average velocity in an interval is equal to average speed. कोई particle जो है A से B पे ऐसे जा रहा है तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है? 2r, 2r अपॉन टाइम इंटरवल. और जो स्पीड है वो किसके बराबर है? 2πr अपॉन टाइम इंटरवल. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. दोनों इक्वल नहीं है तो ये रहूँगा. इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन विद स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो. स्पीड जीरो है तो इसका मतलब रेस्ट पे है. स्पीड जीरो का मतलब क्या है? वो रेस्ट पे है और वो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. जब मूव ही नहीं कर रहा है, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी? जीरो होगी. जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितनी है? जीरो है. डिस्टेंस कवर्ड तो एवरेज स्पीड भी जीरो होगी. तो ये गलत है, नॉन जीरो नहीं हो सकती है. इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच पार्टिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो. स्पीड जो है नॉन जीरो, बट द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल इज जीरो. एवरेज स्पीड इन द इंटरवल जीरो का मतलब है उसकी डिस्टेंस जीरो है. डिस्टेंस ही कोई कवर नहीं की है. एवरेज स्पीड जीरो का मतलब डिस्टेंस कवर नहीं की है, जीरो है. तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है. तो ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकती है जिसमें उसकी स्पीड नॉन जीरो हो और एवरेज स्पीड जो है वो जीरो हो. कि एवरेज स्पीड जीरो दी हुई है उसका मतलब डिस्टेंस जीरो है. डिस्टेंस जीरो है तो उसका मतलब स्पीड भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड भी क्या है? जीरो के बराबर है. ये भी रोंग है. आंसर चॉइस क्या हो जाएगी हमारी? ए हो जाएगी.